प्रकाश पासवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये फहरिस्त अगर इतनी लंबी है तो फिर नीतीश कुमार को अपने चुनावी भाषणों में कई जगह ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर दोबारा चुनकर आए तो ये विकास के काम और आगे बढ़ाए जाएंगे। विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय भी बदला है, 15 साल का वक्त भी गुजरा है और इस वक्त इस समय तक गंगा से बहुत पानी भी बहा है। क्या उस गुजर गए समय के सापेक्ष जो विकास हुआ है उसको क्या ये माना जाना चाहिए कि बहुत बेहतर मापदंड है इसके, या ये माना जाना चाहिए कि समय के साथ साथ जो विकास हुआ है वो बस विकास ही हुआ है। पासवान साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये कंफ्यूजन क्यों फैलने दे रही है चिराग वाला, और इसको लेकर बहुत स्पष्ट तरीके से कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्यों एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को, खासतौर से जेडीयू के प्रोस्पेक्ट्स को डेंट होने दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कतई नहीं है, और मैं तो बिहार में ही पला बढ़ा, बिहार में ही नौकरी करता हूं, तो जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में 15 वर्षों में नौकरी नहीं क्रिएट हुई, मुझे उन पर हंसी आती है। मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई, मैं पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार में आज़ादी के बाद 73 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस और उनके साथी दलों का शासन रहा है, 15 वर्ष भाजपा और जनता दल यूनाइटेड साथ में रहे हैं। आप इंडिकेटर्स उठा के देखिए, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देखिए, आप डबल डिजिट ग्रोथ जब हम कहते हैं तो हमारी प्रतिबद्धता है, जब हम कहते हैं कि जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, तो ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है। चलिए, आपकी प्रतिबद्धता है, और शुरुआत में मैंने आपको मौका दिया क्योंकि आप सत्ता में अभी काबिज हैं, लेकिन